नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर गौरव और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम तक में। आज हम इस वीडियो में एनटीए राउंड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पिछले प्रैक्टिस सेट्स में आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। आप में से काफ़ी बच्चों के 15+ क्वेश्चन राइट हुए हैं, लेकिन जिन बच्चों के 15 से कम राइट हुए हैं उनको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है बैडमिंटन, बी टेनिस, सी रेसलिंग या कुश्ती, डी टेबल टेनिस। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेबल टेनिस। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इन विच स्पोर्ट इज द टर्म LBW यूज्ड? LBW शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है टेनिस, बी बैडमिंटन, सी हॉकी या डी क्रिकेट। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रिकेट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी या डी फुटबॉल। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हॉकी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई दिस इंडियन ट्रेडिशनल गेम। इस भारतीय पारंपरिक खेल को पहचानें। ऑप्शन ए अटकन बटकन, बी गिल्ली डंडा, सी मार्बल गेम या कंचा खेल, डी स्पिनिंग टॉप या लट्टू। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्बल गेम या कंचा खेल। नाउ ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द स्पोर्ट प्लेग्राउंड फॉर बॉक्सिंग एंड स्केटिंग कॉल्ड? मुक्केबाजी और स्केटिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रेंज, बी रिंग, सी एरिना या डी पिच। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रिंग। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। वेयर इज ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोलकाता। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ऑप्शन ए मार्जोरी गेस्ट्रिंग, बी भवानी देवी, सी मोमोजी निशिया या डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मार्जोरी गेस्ट्रिंग। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। हु इज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए मीरा कुमारी, बी नीरजा भनोट, सी संतोष यादव या डी बछेंद्री पाल। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ।
राइट आंसर इज ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। हु इज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। दो बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए नीरजा भनोट, बी आरती साहा, सी संतोष यादव या डी कामिनी रॉय। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी संतोष यादव। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर एक बार चढ़ाई की है जबकि संतोष यादव ने दो बार चढ़ाई की है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना भी एक क्लाइंबिंग गेम होता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इस क्वेश्चन से क्योंकि क्लाइंबिंग भी एक स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर आता है। मोंटू क्वेश्चन नंबर 10। विच इंडियन स्प्रिंटर इज नोन एज ढिंग एक्सप्रेस। किस भारतीय धावक को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, बी हिमा दास, सी पीटी उषा या डी महेश भूपति। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी हिमा दास। मोन टू क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनोदर नेम फॉर कबड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कबड्डी का अन्य नाम नहीं है? ऑप्शन है हाडुडू, बी हुतुतू, सी हुदहुद या डी चेडुवुडू। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हुदहुद। मोन टू क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? ऑप्शन ए एजिलिटी या चुस्ती, बी एंड्योरेंस या सहनशीलता, सी अलर्टनेस या सजगता, डी स्ट्रेंथ या ताकत। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी अलर्टनेस या सजगता। मोन टू क्वेश्चन नंबर 13। कैरेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन बी वन, सी विटामिन डी या डी विटामिन ए। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन ए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई दिस योगा। इस योग की पहचान करें। ऑप्शन ए नमस्कारासन, बी सर्वांगासन, सी हलासन या डी सवासन। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हलासन। मोन टू क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक के ध्वज में कितने चक्र बने होते हैं? ऑप्शन ए 6, बी 3, सी 5 या डी 4। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। नेम दिस बोन। इस अस्थि का नाम बताइए। जो रेड कलर का तीर इसको इंडिकेट कर रहा है उसी अस्थि का आपको नाम बताना है, यानी जो ऊपर वाली अस्थि है। ऑप्शन ए रेडियस, बी अलना, सी जॉ बोन या जबड़े की अस्थि, डी ह्यूमरस या प्रगंडिका। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए रेडियस। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। वेयर इज इंडियाज बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम बीइंग बिल्ट।
भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी कटक ओडिशा, सी राउरकेला ओडिशा या डी रांची झारखंड। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी राउरकेला ओडिशा, और ओडिशा राज्य को ही हॉकी के लिए जाना जाता है। मोन टू क्वेश्चन नंबर 18, नेम दिस इंडियन बॉक्सर, इस भारतीय बॉक्सर का नाम बताइए। ऑप्शन ए निखत जरीन, बी एमसी मैरी कॉम, सी लवलीना बोरगोहेन, डी पिंकी रानी। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए निखत जरीन। मोन टू क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए थॉमस बाक, बी सौरभ गांगुली, सी रॉस टेलर या डी राहुल द्रविड़। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए थॉमस बाक। मूव ऑन टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए चाइना, बी इंडिया, सी ग्रीस या यूनान, डी जापान। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रीस या यूनान। पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान के एथेंस शहर में किया गया था। सो गाइस, ये था एंटी अराउंड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3, और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए तो मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।